हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरीज फैंटास्टिक एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जा रही हूँ रेडी होने के लिए और आज है बड़े पापा बड़ी मम्मी की 50वीं सालगिरह, मतलब शादी के उनके 50 साल पूरे हो गए। यार यार बहुत खुद में बड़ी बात है ये कि 50 साल एक दूसरे के साथ ऐसे बिता देना। पता नहीं हम लोगों के साथ ऐसा हो पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो कि क्या होता है, लेकिन ठीक है। लाइफ का जो भी पल है उसको खुशी खुशी जियो और सबके साथ खुशियाँ बांटो। तो बस यही इसका अभी का सीन है। बस मैं जा रही हूँ रेडी होने और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। यहाँ पे गर्मी का हाल अभी भी वही है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते। तो बस अब जा रहे हैं, रेडी होंगे, हल्का फुल्का टचअप करना है। बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करूँ क्योंकि स्वेटिंग से पूरा मेकअप जो होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और बस यही सब सीन है। तो चलते हैं, जो भी होगा सब आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे, तो ब्लॉग पर बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं रेडी होना स्टार्ट होती हूँ। ये साड़ी पता है मैंने कब ली थी? ये साड़ी मैंने ली थी जब किकी की एंगेजमेंट का टाइम था और मैंने इसको स्टिच करवाया था। उसके बाद मैं भूल गई थी ये साड़ी के बारे में। आज ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ, तो मुझे ये साड़ी दिख गई। मैंने सोचा चलो यार इसको पहनते हैं। और मैंने जब इसका ब्लाउज सिलवाया था तो मुझे आई थिंक लग रहा है मैं उस टाइम पे थोड़ी सी पतली थी, क्योंकि ये ब्लाउज देखे मुझे एकदम फिट हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा। मुझे लगा था पहनने के बाद मैं काफ़ी इसमें हेल्दी लगूंगी। यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई, बहुत ही न्यूड सा मेकअप किया है मैंने आज यहाँ पे। बोलो बाय बाय बोल दो, हे बोल दो बाय 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 बाय। और यहाँ पे देखा आप लोगों ने सिद्धम कितने क्यूट सी बाबा बोलना सीख गया। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये तो पहले भी बोलता था लेकिन अब काफ़ी अच्छे से वॉक वॉक करना बहुत सीख गया है ये। और यहाँ पे हम सब पहुँचे घर पे और बहुत सारे गेस्ट लोग थे, मतलब घर के लोग थे, कुछ जो मेन मेन रिलेटिव थे बस वही आए हुए थे। और यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं रूम में जहाँ पे पूरा डेकोरेशन वगैरह हुआ है सेलिब्रेशन का। और यहाँ देखिए हम लोग पहुँचे ऊपर और ये है रूम जहाँ पे डेकोरेशन है। और ये केक बहुत सुंदर था, 5050 लिखा हुआ था इस केक के ऊपर। और डेकोरेशन वाले भैया को बुलवाया गया था डेकोरेशन करने के लिए। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन बलून करने रेड और वाइट कलर में किया था। आज बड़े पापा बड़े मम्मी दोनों ही बहुत अच्छे लगते थे। बड़ी मम्मी बहुत प्यारी लग रही थी आज। यार इसकी खुशी ही अलग होती है, मतलब 50 साल एक दूसरे के साथ बिता देना ये आसान बात नहीं है, लेकिन भगवान सब किसी की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे और हर किसी को ये दिन देखने को मिले। बहुत बड़ी बात होती है कि आप 50 साल एक दूसरे के साथ वाकई में सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे भी केक कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कैंडल वैंडल लग रही है यहाँ पे और सारे गेस्ट भी यहीं पे हैं। ज़्यादा तो यहाँ पे घर घर के ही लोग हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी हैं, बहुत छोटे छोटे दीदी के बच्चे हैं। सिद्धम है, सिद्धम को एक्चुअली बलून से बहुत डर लगता है। अभी जब बलून जल्दी लोग यहाँ पे ब्लास्ट करेंगे तो फिर देखिए ये रोना भी स्टार्ट कर देता है, तो उसको थोड़ा डर लगता है, बच्चा है छोटा है अभी। और यहाँ पे पापा जो हैं वो बड़े पापा का टीका कर रहे हैं और मम्मी जो है वो बड़ी मम्मी का टीका कर रहे हैं। उसके बाद जो भी गिफ्ट्स वगैरह हैं सब एक दूसरे के लिए लेके आए वो देंगे। और ये फिर यहाँ पे एक दूसरे को जो लोग यहाँ पे माला पहना रहे हैं एज़ यूजल, जैसे हर कोई करता है 25 साल 50 साल सेलिब्रेट करने के टाइम पर। और यहाँ पे मैं आपको बहुत जगह पे कम कम दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था और मैं पीछे के साइड खड़ी थी। लेकिन हाँ अच्छी आप लोग ने मुझे ज़रूर कमेंट करके ये बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ आज, क्योंकि मैंने बहुत मन से आज मैं रेडी हुई थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरीके से तैयार होना। और पता है मैंने बहुत कम टाइम में फटाफट से मैं रेडी हुई थी, मुश्किल से मुश्किल मुझे 10 से 15 मिनट लगा होगा। यार पता है हम लोगों के साथ क्या सीन होता है, जितने भी व्लॉगर्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं जो व्लॉग वगैरह शूट करते हैं, यार उनका आधा से ज़्यादा समय तो कैमरा ही सेट करने में निकल जाता है। जो जो इस बात से रिलेट करता है अपनी हाजिरी ज़रूर देगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे देखिए दूसरे को रिंग पहनाई जा रही है और साथ में चेन गिफ्ट्स होता है जो मतलब दिया जाता है। बड़े पापा ने बड़ी मम्मी को दिया, बड़ी मम्मी ने बड़े पापा को दिया, रिंग्स एक्सचेंज हुई। और साथ में ये बहुत सुंदर सा पेंडेंट आया था, ये बहुत प्यारा था। मैं सामने से इसका क्लोजअप तो नहीं ले पाई लेकिन ये था बहुत सुंदर। पता है मुझे भी हैवी ज्वेलरीज का कोई शौक़ नहीं है, मुझे भी लगता है लाइट वेटेड ज्वेलरी जितनी मुझे पसंद है ना कि मतलब क्यूट लगती हैं वो काफ़ी ज़्यादा। बहुत चंकी टाइप की इयररिंग्स, मतलब मुझे डेली यूज़ के लिए बहुत हैवी हैवी रिंग्स वगैरह भी नहीं चाहिए। मतलब मुझे सिंपल एंड सोवर चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। हाँ कभी कभी आप कुछ ऐसे फंक्शंस में जा रहे हो जहाँ पर आपको ऐसा करना कंपल्सरी है तब आप वहाँ पर ये चीज़ें करो, लेकिन ऐसे हमेशा के लिए तो मुझे नहीं अच्छा लगता है पता है। और यहाँ पे देखिए केक कटिंग हो रही है, अभी तो फिलहाल माला वाला पहनाया जा रहा था।
और ये सारे प्रॉप्स जो आप देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर का प्रॉप्स लिप्स बना हुआ है, ये सिर्फ आया था और ये सारा बच्चों के पास ही रह गया था। किसी ने इसके साथ लेके फ़ोटो क्लिक नहीं करा। बहुत सारी फ़ोटोज़ भी हम लोगों ने क्लिक करवाई थी यहाँ पे, और बहुत सारे गेस्ट को बुलाया भी गया था जो मतलब ख़ास ख़ास थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सारी गैदरिंग हुई है, और यहाँ पे बड़े पापा जो हैं वो बड़ी मम्मी को केक खिला रहे हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंट था ये, बहुत अच्छे से सबने कैच किया इसको, और सॉरी कैच नहीं किया, कैप्चर किया। क्योंकि कभी कभी होता नहीं है कि आप ब्लॉग शूट करते रहते हो और क्योंकि वॉइस ओवर तो बाद में होता है, तो फिर से चीज़ें समझ में नहीं आती कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। इस वजह से थोड़ी थोड़ी जो स्पेलिंग्स एरर होते हैं और जो आप बोलते हो वो भी थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो होता है ऐसा। ये जब मैं पहले जब मैं ब्लॉग वगैरह शूट करती थी, मैं जब वॉइस ओवर करा करती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन अब मुझे ऐसा बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता। हाँ, अगर आप गलत कर रहे हो तो आप बाद में उसको करेक्ट कर दो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। पता है मैं पहले क्या करती थी, मैं पूरा दोबारा से उसको एडिट करने जाती थी, लेकिन नहीं, ओरिजिनलिटी जो होती है उसका आपको उसी को ही शो करना चाहिए कि आपको जो आता है बस आप वही अपने व्यूवर्स को शो करो। बहुत ज़्यादा बन के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे रहते हो वैसे ही रहो। और यहाँ पे देखिए फ़ोटो क्लिकिंग हो रही है, हम सब यहाँ पे खड़े हैं और अभी बहुत सारी फ़ोटोज़ आएंगी, मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी उसको डे बाई डे। और मुझे फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे ब्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, चैनल बने रहिएगा। और अभी आपके साथ बैक टू बैक मैं बहुत सारे ब्लॉग शूट कर शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।